अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी अमेजोन से जो मैंने शॉपिंग की है वो शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अमेजोन से कुछ ड्रेसें मंगाई हैं, क्योंकि वहाँ पर चल रहा है अभी इस टाइम पर अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल। तो मैंने सोचा चलो मैं भी शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सेल वगैरह पर से शॉपिंग करना तो हम लेडीज़ों की खासियत है, क्योंकि कहीं पर अगर कुछ भी ऑफर मिल रहा हो तो हम झट से पहुँच जाते हैं, तो चाहे वो साइट हो या फिर हमारी नॉर्मल मार्केट हो, तो वहाँ से ज़रूर परचेस करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाता है। और इस टाइम पर तो जो है अमेजन पर ग्रेट इंडियन सेल चल रही है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग करना तो बनता है। तो इसलिए मैंने कुछ ड्रेसें मंगाई हैं, तीन तो ये है और एक मैंने पहनी हुई है क्योंकि बड़ी प्यारी लग रही है। और इस वाली को आपने मुझे पहन ही देखा है, मैं जहाँ से पहन कर गई थी इसको, क्योंकि मैंने सोचा शेयर बाद में करूँगी, पहले मैं इसको पहन लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग साथ अपनी शॉपिंग। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है मेरा ये सूट जो है येलो कलर में, उसमें रेड कलर भी दिया गया है इस तरीके से पट्टी, और इसमें जो है गोटा पट्टी का काम किया गया है। ये देख सकते हैं आप, पूरे सूट पर इस तरीके से है और यहाँ पर भी गोटा का काम किया गया है, जो कि बड़ा प्यारा लग रहा है। और गला गोल मिलेगा आपको पूरे सूट पे, जो है बूटी इस तरीके की मिलेगी और इसके नीचे है सरारा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर गले पे इस तरीके का फूल दिया गया है और पूरे सूट पर सिर्फ ये फूल ही बड़ा दिया गया है, बल्कि पूरे सूट पर जो है इस तरीके की बूटी दी गई है और नीचे तक दी गई है, और स्लीव्स भी जो है बहुत अच्छी है, और रियोन कपड़ा है इसका और नीचे सरारा है। मैं दिखा देती हूँ, तो यहाँ देखिए इस तरीके की है ये, और आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि दाम पे भी जो है रेड कलर की पट्टी दी गई है और नीचे सरारे में भी दी गई है, और घेर भी बहुत अच्छा खासा है, ये देख सकते हैं। और रेड पे जो है येलो पे रेड कलर बहुत प्यारा लग रहा है, और मैंने इस चुन्नी के साथ लिया है, तो हम रेड कलर की चुन्नी के साथ या फिर मल्टी कलर किसी भी चुन्नी के साथ ले सकते हैं। तो मैंने ये बनारसी चुन्नी राजस्थान जो चुन्नी इसके साथ इस सूट को वेयर किया है, जो कि बड़ा प्यारा लग रहा है, और इस तरीके से पूरे सूट पर जो है हमें बूटी मिल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से पूरे सूट पर हमें बूटी मिल रही है, ये गोटा पट्टी की बूटी है। तो ये है मेरा एक सूट, और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना दूसरा सूट, जो कि ये गाउन, लेकिन ये मटेरियल आया है और ये इस तरीके के पैकेट में आ जाएगा, और इसके साथ आए हैं ये बटन जो कि गले पर लगाए जाएंगे। और ये जो सूट है ना, बनने के बाद इस तरीके से लगेगा, ये देखिए। और इसका जो दुपट्टा है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें अर्ज बहुत ज्यादा है, चौड़ाई जो दुपट्टे की बहुत ज्यादा है, और पूरे दुपट्टे में काम किया गया है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है ना, मतलब जैसे दिखाई दे रहा वैसा ही सेम टू सेम सूट मिला है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये है पजामी के लिए कपड़ा, अगर पजामी सिलवाना चाहते हैं तो इसकी सिलवा सकते हैं, वरना लेगी के साथ पहन सकते हैं, इसका कुछ और सिलवा लें। और ये इसकी चुन्नी है, पहले मैं दिखा देती हूँ फ्रॉक, तो ये इसकी फ्रॉक है, और इसमें पूरे में जो है जरी का काम हुआ रखा है, ये देखिए बहुत अच्छा सफाई के साथ इसमें काम किया गया है। और ये पाइपिंग दी गई है ना, इसी पे वो बटन लगेंगे डिजाइन के लिए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब तीन बटन दिए गए हैं, तो एक यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा। और ये गले पर दी गई है, जो कि हमारा गोल गला बन जाएगा, और ऐसा ही जो है पीछे भी कढ़ाई दी गई है, ये देखिए पीछे भी वर्क दिया गया पूरा जरी का गले पे, और ये हमारे पीछे आ जाएगा बैक पे, और घेर भी जो है जैसे उसमें दिखाया गया है ना, वैसे ऐसा रहता है हम ऑनलाइन शॉपिंग करते जो घेर दिखाया जाता है वो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जैसा घेर दिखाया गया है वैसा ही घेर मिला है, और यहाँ नीचे बॉर्डर मिल गया है, और ये कलियों में कटा हुआ घेर है, कलियों वाला घेर जो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें ओरे भी कट हो जाता है, क्योंकि मुझे चुन्न वाला डिजाइन रहता है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं बहुत कम लेती हूँ चुन्न, जो रहती है ना कमर पे चुन्न रहती है वो वाला घेर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये वाला घेर अच्छा लगता है कि कलियों में रहता है और यहाँ से जो है बिना चुन्न का रहता है, और घेर का घेर हो जाता है और चुन्न वगैरह भी नहीं आती है। तो इस तरीके से ये बॉर्डर है, तो ये देखिए ये मतलब इतना घेर है, अच्छा खासा बहुत ज्यादा घेर दिखाई दे रहा है ना, इतना ही है, और इसमें पूरे में जो है जरी का काम किया गया है बॉर्डर पे बहुत सफाई के साथ, और
पीछे भी जो है ऐसा नहीं है कि पीछे भी डिजाइन दिया, पीछे इस तरीके डिजाइन दिया है पाइपिंग के साथ। तो जब मैं इसको सिलवा लूंगी तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और इसकी स्लीव्स भी जो है अलग से दी गई हैं, इस तरीके से अलग से कपड़ा लगा हुआ है स्लीव्स के लिए, दो स्लीव्स दो ही होंगी। और यहाँ पे जरी का काम किया गया है, ये देखिए पूरे स्लीव्स पे जो है ना हमें जरी का काम मिल जाएगा, नीचे बॉर्डर और यहाँ, ठीक है ना। तो ये हो गई फ्रॉक। और सबसे जो मेरा स्टूडेंट फेवरेट, मेरा ड्रेस ही पूरी फेवरेट की है मेरी, मैंने ही पसंद की है तो मेरी फेवरेट होगी। इसमें मुझे दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इसका जो अर्ज है ना बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा। क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो जब भी गाउन वगैरह खरीदते हैं तो इतने अर्ज वाले दुपट्टे नहीं मिलते, छोटे छोटे से कम अर्ज के दुपट्टे मिलते हैं, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा अर्ज है, ये देखिए मेरा। और यहाँ पर भी पूरे बॉर्डर हमें मिल जाएगा सूट पे, जरी का काम हो रखा है, और पूरे दुपट्टे पे इस तरीके की जो है बूटी मिल जाएगी, और पूरे दुपट्टे पे बॉर्डर मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी ड्रेस है, और एक ड्रेस मेरी ये है जो आपने पहने मुझे देख ही लिया है। और ये बिल्कुल हल्का मतलब सॉफ्ट, इतना हल्का है अगर सड़ी से सड़ी गर्मी पड़ रही हो ना और हम कहीं घूमने जा रहे हो तो इस सूट को पहन कर जा सकते हैं, इतना आरामदायक है ये सूट। मुझे बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं इसको झांसी पहन कर गई क्योंकि झांसी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और कुछ अगर हम स्टाइलिश पहनना चाहते हैं और हल्का भी पहनना चाहते हैं तो इस सूट को पहन सकते। और ये प्रिंट है पूरे सूट में जो है, प्रिंट दिया रखा है अलग अलग डिजाइन में इस तरीके से, मतलब नीचे ऐसा, फिर ये इस तरीके से डिजाइन दिया गया है। और ये प्लाजो है, बहुत अच्छा घेर है इसमें, कंफर्टेबल है बहुत, और यहाँ पर इलास्टिक दी गई है। तो ये प्लाजो हो गया इसका, और ये इसका कुर्ता है, लेकिन ये फ्रॉक कट में है, इसके दामन भी खुले हुए हैं लेकिन ये फ्रॉक कट में है ये कुर्ता, और इसीलिए ढीला ढीला लग रहा था ये, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हाँ मतलब मोटा कहना भी कुछ अलग तरीके से, कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है, कुछ लोग कुछ अलग ही तरीके से कहते हैं, तो वो बड़ा अजीब सा लगा। मोटा कहो, मोटी हूँ लेकिन इतनी भी मोटी नहीं हो कि तुम इतने भद्दे तरीके से कमेंट करो। तो ये कुछ देखो ढीला है सूट, कुछ देखो अगर हम फिटिंग के कपड़े पहनते हैं तो वो अलग दिखाई देता है कि ये मतलब कितनी मोटी है, लेकिन अगर हम ज्यादा ही ढीले कपड़े पहनते हैं तो उसमें कुछ ओवर लगता है। तो ये सूट कुछ ढीला है, और मुझे ढीले कपड़े पहनना पसंद है, मुझे ज्यादा फिटिंग वाले कपड़े पहनना पसंद नहीं है शुरू से ही। जब मैं पतली थी तब भी मैं ढीले कपड़े पहनती थी, ऐसा नहीं है कि अब मैं पहन रही हूँ। तो ये जो सूट है इस तरीके का है कि यहां से जो है अगर आप फिटिंग पहन चाहते हो तो फिटिंग पहन सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इस तरीके से ही पहनने वाला सूट है क्योंकि ये फ्रॉक कट है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जो है कलियां पड़ी हुई है, ये सिलाई दिख रही है ना, ये कली वाला कुर्ता है, इसमें तीन कलियों का है ये, तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा जो है फ्रॉक वाला लुक आता है। ये कमर पे देखो जॉइंट है और यहाँ पर इसमें कलियां पड़ी हुई है, तो इसलिए ये थोड़ा चौड़ा लगता है। तो इस तरीके से है ये, और बहुत अच्छा मतलब डिजाइन है इसका, फ्रॉक कट में है, और कपड़ा तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है इसका, और कलर भी आप देख ही सकते हो कितना अच्छा कलर है इसका। तो एक ये है और ये व्हाइट दुपट्टे बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसको व्हाइट दुपट्टे के साथ ही पहना था, और इसकी फुल स्लीव्स है। तो एक मेरा सूट ये हो गया, और एक ये है मेरा प्लाजो सूट, और ये भी हल्का सा फ्रॉक कट में ही है। तो ये इसका प्लाजो है, और बहुत घेर वाला प्लाजो है इसका, ये देख सकते हैं आप, और ये व्हाइट नहीं है, हल्का सा क्रीम कलर है ये, और इसमें आगे बेल्ट दिया है और पीछे इलास्टिक है, ठीक है। और ये इसका कुर्ता है, तो इसमें यहाँ पर ये कढ़ाई दी गई है, और ये भी जो है एक फ्रॉक ही है क्योंकि इसमें दामन नहीं खुले हुए हैं, ये फ्रॉक प्लाजो है, कम घेर वाली जो फ्रॉक रहती है ना वो है, और इसमें कॉलर वाला हमें गला मिल जाएगा, और ये इसकी स्लीव्स हैं। तो इन सारी ड्रेस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप उनको परचेस कर सकते हैं अगर आपको जो है इनमें से पसंद आ रही हो तो।
तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।